नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप ही के YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है उन सभी लोगों के लिए जिनका लाइसेंस या तो रिन्यू होना है या फिर जिनका लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस बना नहीं है। क्योंकि दोस्तों, अभी तक क्या होता था, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों को बड़े चक्कर काटने पड़ते थे अथॉरिटी के, और साथ ही साथ ड्राइविंग टेस्ट देने के टाइम पे मिन्नतें करनी पड़ती थी अधिकारी की। अगर जरा सी भी चूक हो जाए इसमें, यानी कि जिस समय पे आप टेस्ट दे रहे होते हैं उस समय पे अगर जरा सी चूक हो जाए, इंडिकेटर टर्न पे अगर नहीं दिया या कुछ भी, आपके जो मतलब RTO के जो ऑफिसर होते हैं उनको कुछ गड़बड़ लगा तो तुरंत जो है आपको फेल कर देते हैं टेस्ट में। बट अब 1 जुलाई से, जो आने वाली 1 जुलाई है, उससे ऐसा नहीं होगा। सारा कुछ गवर्नमेंट ने 1 जुलाई से ऑटोमेशन करना शुरू कर दिया, मींस सारा ऑटोमेटिक करना शुरू कर दिया है। उसमें होगा ये कि आपको अब RTO में जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पूरी कंट्री में। मतलब आप चाहे किसी भी राज्य में रहते हो, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, और साथ ही साथ आपको टेस्ट देने के लिए भी फिजिकली नहीं जाना पड़ेगा RTO ऑफिस। उसके लिए होगा ये कि दोस्तों, उसके लिए आपको जो है किसी भी मान्यता प्राप्त, यानी किसी भी गवर्नमेंट एफिलेटेड जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, जो कार चलाना सिखाते हैं, वहां से आपको गाड़ी चलाना सीखना पड़ेगा, और साथ ही साथ वहां से आपको एक सर्टिफिकेट, गाड़ी का ड्राइविंग सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो ये जो सेंटर्स होंगे, ये सेंटर्स ऐसे ही नहीं होंगे कि कोई भी ड्राइविंग स्कूल्स खोल ले और चाहे गवर्नमेंट से एफिलेट है कि नहीं है कोई मतलब नहीं है, नहीं। इसके लिए गवर्नमेंट से जो एफिलेटेड होना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस है, जिस जैसे कि जो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाता है उसके पास एक मतलब प्रॉपर जो है टेस्ट देने के लिए ट्रैक होना चाहिए, सारा कुछ बायोमेट्रिक सिस्टम से अपडेट होना चाहिए, और साथ ही साथ जिस समय पे आप टेस्ट देंगे उसके सारे रिजल्ट्स उसको अपलोड करने पड़ेंगे RTO की साइट पे। तो उसी रिजल्ट के चलते, यानी कि उसी रिजल्ट को देख करके RTO आपको लाइसेंस देगा, जिसके लिए आपको फिजिकली टेस्ट देने की जरूरत पड़ेगी नहीं। और हाँ दोस्तों, ये देश भर में मान्यता प्राप्त जो सेंटर्स हैं, ये अभी इस समय तो ज्यादा इनकी तादाद है नहीं, बट हाँ इनके लिए आप अप्लाई भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप भी एक ट्रेनिंग सेंटर चला सकते हैं, बशर्ते आपको पूरी करनी होगी सरकार की कुछ डिमांड और सरकार के कुछ नियम कानून। तो यही कुछ जानकारी आपको देनी थी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ, अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगा किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और मास्क पहनें।